वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्या 9 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की डेट एक्सटेंड हो सकती है? इसको लेकर लगातार जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। एक और ज्ञापन यहां पर जारी हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा गया है। जी हाँ, ये लिखा है हाजी फुरकान अहमद, विधायक 30 विधानसभा पिरान कलियर जनपद हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विषय लिखा हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आहूत स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है जो इससे पहले हमने आपको जो 2-3 ज्ञापन सौंपे गए थे उसमें लिखा हुआ था कि 9 तारीख को SSSC का स्नातक स्तरीय पेपर परीक्षा है, जिसमें हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चलेगी, जिस दौरान ट्रैफिक काफ़ी हाई रहेगा और अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का आना संभव नहीं है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाके से भी कई लोग आते हैं जिन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान अपने निवास से शहर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके अलावा इसी समय गर्मी व बारिश के कारण यह और भी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं कई अभ्यर्थियों के पेपर छूट सकते हैं। महोदय, कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी अपनी जो आगामी परीक्षा 6 अगस्त को जो है रीशफल कर दी है। महोदय, SSSC द्वारा ऐसा फैसला छात्रों के हित में नहीं है, अतः आपसे निवेदन है कि मूल प्रार्थना पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करें, हाजी फुरकान अहमद। तो आप देख सकते हैं ये लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब क्या वाकई में ये तीसरा या चौथा लेटर है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच रहा है? क्या वाकई में SSSC के अध्यक्ष पर दबाव बनेगा या नहीं बनेगा? आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैं छोड़े जाता हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।